सर सो बेसिकली एक जयपुर स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट है, इसमें अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। आज हमारे पास चार कॉम्पिटिशन्स हैं इधर, बी प्लान, बी क्विज, एड मैड एंड दिस डिबेट कॉम्पिटिशन। सो इन कॉम्पिटिशन में पूरे जयपुर से स्कूल्स आए हैं, वी हैव अराउंड 15 स्कूल्स हेयर, और हर कॉम्पिटिशन में अलग अलग बच्चे जो है कम्पीट कर रहे हैं अवार्ड्स के लिए। हमारे पास यहाँ पर बहुत एक्साइटिंग अवार्ड्स हैं एंड इट इज़ बीन अ प्लेजर फॉर बोथ ऑफ अस टू होस्ट दिस इवेंट एंड ऑर्गेनाइज इट फॉर नीरजा मोदी स्कूल एंड GCSE। या मैं राहुल बंसल, आई एम बेसिकली फ्रॉम मासिक। शी इज़ माई फ्रेंड विच इज़ द CEO ऑफ द कंपनी। आई गॉट इंस्पायर्ड बाई हर वर्क्स टुवर्ड्स द वुमेन एम्पावरमेंट। शी जस्ट ओनली वॉन्ट्स टू हेल्प द वुमेन बाई गिविंग देम द बेस्ट प्रोडक्ट्स, लाइक दीज आर द कॉटन प्रोडक्ट्स शी इज़ मैन्युफैक्चरिंग। ऑल द कंपनीज, ऑल द सैनिटरी पैड्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट दीज डेज आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। देर इज़ एन एग्जाम्पल, देखिए अगर हमारे स्किन पे कोई वाउंड होता है और ठीक है हम उसके ऊपर प्लास्टिक यूज़ करते हैं, क्या वो क्योर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो वाउंड और ज़्यादा फैल जाएगा, उससे कुछ इन्फेक्शन होंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है, इंडिया का पहला प्रोडक्ट है जिसको खादी ने एफिलेट किया है, जो कि 80% कॉटन से बना है और 85% डिकम्पोस्टेबल है। सो इट्स अ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट। इस कंपनी को शुरू करने का उद्देश्य यही था। मिसिज रचना कपूर, जिन्होंने इस कंपनी को शुरू किया, फाउंड किया पैडमैन की इंस्पिरेशन से, उनको खुद सिस्ट्स की प्रॉब्लम थी। सो उन्होंने खुद रिसर्च किया ये सिस्ट्स क्यों होते हैं, बेसिकली इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न क्या है, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद उनको पता चला दैट ये प्लास्टिक पैड जो हम यूज़ कर रहे हैं ये उसकी वजह से हो रहा है। सो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। 1.5 से 2 साल का समय उनको रिसर्च करने के लिए लगा। फिर उन्होंने कॉटन पैड्स पैडमैन की इंस्पिरेशन से लॉन्च किए और खादी ने इसको एफिलेट किया है। ये इंडिया की, भारत की पहली एक ऐसी कंपनी है जिसको खादी ने एफिलेशन दिया है, क्योंकि खादी के अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट होगा वो 80% कॉटन होना चाहिए और 85% डिकम्पोस्टेबल होना चाहिए। सो अ बिग हैंड्स फॉर मिस रचना कपूर टू स्टार्ट दिस कंपनी।